आज लेंगे हम रीजनिंग का एक चैप्टर। कल हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किए थे, हालांकि मुझे बहुत कुछ करवाना था, सारी चीजें तो मैं नहीं करवा पाया। आज रीजनिंग लेंगे। 5 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाता है, लगभग सारी एग्जाम में होगा, बैंक क्लर्क एंड पीओ में। आज ही हम इसको निपटा देंगे, आज ही हम ये पूरा कर देंगे, और फिर भी 1.5 घंटा नहीं लगेगा। तो रीजनिंग में आप देखेंगे कि सारे चैप्टर हम इसी तरीके से करेंगे, आपका सिलोक्स हो, आपका सिटिंग पजल हो, कुछ भी हो। तो करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं। ग्रेटर देन, है ना? ग्रेटर देन का साइन क्या होता है? ये वाला होता है। मान लो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, हा ने? दूसरा वर्ड आता है स्मॉलर देन, भाई बराबर है, इसका साइन होता है इस तरीके से, लेस देन स्मॉलर देन, ठीक है? अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ए छोटा है बी से, ए इज स्मॉलर देन बी, भाई हां। और तीसरी चीज आती है इक्वल टू, तो इसका साइन तो पूरी दुनिया को पता है, हो गया। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, ऐसे लिखा होता है ना, आपको खाली समझना है, ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है। सीधा मैं पूछूंगा छोटा कौन है, बड़ा कौन है, बी, पता चल जाता है ना। मान लो इस तरीके से लिखा है तो बड़ा कौन है, बी, सीधा आपको पता चल जाना चाहिए। आपको सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और फिर आप आंसर देते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा पता चल जाना चाहिए। और भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मान लो इस तरीके से है तो यहां पे एक लाइन कर दो, गुजराती में ये ग हो गया, हा ना, तो ग्रेटर देन। इस तरीके से है ये साइन, तो गुजराती में ये ल हो गया, तो ये लेस देन है। मान लो आपको गुजराती का आइडिया नहीं है, मान लो, तो दूसरा क्या मतलब है? देखो ये है ना, ये इस तरीके से ये साइन बनेगा मेरे हाथ में, अब मैं किसी को मारूंगा, बराबर ना, तो मार खाएगा ये वाला बंदा, तो जो मार खाता है वो हमेशा छोटा होता है, जो मारता है वो बड़ा होता है। तो ये भाग बड़ा है ना, तो इधर की साइड जो भी होगा बड़ा होगा, ये भाग छोटा है तो इधर की साइड जो होगा वो छोटा होगा। यहां भी यही है, देखो ए बी लिखा है तो ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, तो बी बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आप इस तरीके से भी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप साइन को याद रखो, ये मुझे आज भी अगर नींद से आप उठाएंगे ना तो प्रॉब्लम होता है, इसको लेस देन बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं, प्रॉब्लम होता है, आपका मुझे पता नहीं, मुझे प्रॉब्लम होता है। तो हम सीधा, हमें पता चल जाना चाहिए, कुछ भी लिखा है इस तरीके से, कुछ भी लिखा है, अगर ये पूछा जाता है तो क्यू छोटा है आर से, अगर ये पूछा जाता है तो क्यू छोटा है पी से, या तो पी बड़ा है क्यू से, या तो आर बड़ा है क्यू से, ये सीधा आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है? मैं टाइम पास कर रहा हूं क्योंकि 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे 1 घंटा चलाना है, समझे ना आप? चलो, नहीं ऐसा नहीं है, फाउंडेशन मजबूत करना है। तो कोई भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन करना होता है तो 3 तरीके से होगा, बड़ा छोटा या इक्वल, बड़ा छोटा या इक्वल, 3 तरीके से कंपैरिजन होता है। अब ये 3 जो कंपैरिजन है उसका मिक्सिंग करेंगे तो और 2 नतीजे बाहर आएंगे, क्या है? आइधर ग्रेटर और इक्वल, नया साइन बनेगा, आइधर ग्रेटर और इक्वल, तो ये इस तरीके से बनता है। और 5वां साइन, ये हकीकत में क्या है? ग्रेटर प्लस इक्वल का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? 5वां साइन आता है आइधर स्मॉलर और इक्वल, बच्चों ठीक है? तो ये इस तरीके से बनेगा, ये किसका कॉम्बिनेशन है? लेस देन और इक्वल टू का, भाई हां। तो ये टोटल 5 रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल के बीच में टोटल ये 5 रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे। मैंने यहां पे जो भी 5ों की 5ों बात की है वो पॉजिटिव टर्म्स में की है, कौन से टर्म्स में? पॉजिटिव।
मेनली रिलेशन कितने होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, मेन रिलेशन ये तीन होते हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके और दो नए रिलेशन बनते हैं, टोटल पांच रिलेशन है। पॉजिटिव टर्म्स में मैंने बात किया है, पेपर सेटर आपको एग्जाम में कई बार नेगेटिव टर्म्स में भी बात करेगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला नॉट ग्रेटर देन, बच्चों ठीक है, इसमें उसने ना बोला है, किस चीज का ना बोला है, ग्रेटर नहीं है। टोटल कितने रिलेशन होते हैं, तीन, ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल, ग्रेटर का ना बोला है। इसका मतलब और दो चीज हो सकती है, क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल, तो इसका मीनिंग होता है स्मॉलर और इक्वल। भाई मैं ठीक कर रहा हूं, चलो आगे चलते हैं। नॉट स्मॉलर देन, देखो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये रेगुलर क्लास में तो आएगा, हाँ अलग से फिर से, ये डेमो है, ये चीज रिपीट होगी जब रेगुलर क्लास होगा, रीजनिंग में ये चीज रिपीट होगी। तो नॉट स्मॉलर देन इसका मतलब क्या है, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो और क्या बाकी रहा, बड़ा और हरखा, क्या बाकी रहा, बड़ा और हरखा, तो हो गया बड़ा और हरखा, ग्रेटर और इक्वल टू, बेन बराबर है। आगे चलते हैं, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, अब दो चीजों की ना बोली है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो बचा गया हरखा, तो यहां पे आएगा इसका आंसर इक्वल टू। और आगे चलते हैं, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, क्या ना बोला है, बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या बचेगा बच्चों, छोटा। और लास्ट रिलेशन नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, भाई हां तो क्या बचेगा, ग्रेटर। तो आपको पॉजिटिव टर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब आपको नेगेटिव टर्म्स की भी हमने डिस्कशन कर ली है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो वो भी निकल गया होगा, ठीक है। तो ये आपने बेसिक सीख लिया, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस तरीके से, यहां पे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है, बैंक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम लास्ट में आते हैं, हर एक चैप्टर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी आपको सीखना जरूरी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितना सीखना है, कौन से लेवल तक जाना है, तो उसके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, जैसे ये बताया मैंने आपको, उसके बाद हम नेट प्रैक्टिस करेंगे, मतलब शुरुआत में इजी क्वेश्चन होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। सारे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, खाली रीजनिंग नहीं, मैथमेटिक्स भी इसी तरीके से होगा, क्लर्क का भी आ जाएगा, पीओ का भी आ जाएगा, प्रीलिम भी आ जाएगा, मेंस भी आ जाएगा, लास्ट में जब चैप्टर खत्म होने को है तब हम लेटेस्ट 2018, 19, 20, 21 में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ताकि आपका एकदम लास्ट तक का सारा कवर हो जाए, हम सारी चीजें इसी तरीके से बढ़ेंगे। शुरुआत में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे अभी ये करवाऊंगा, तो ये भी मेरे घर का नहीं, ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, बट ये रिलेटिवली पुराने क्वेश्चन है, 2012, 13, 14, 15, 16 और 17 के होंगे, 18, 19, 20 के क्वेश्चन में ब्रैकेट में मैं लिख के भी दूंगा कि ये कौन कौन सी एग्जाम में पूछे गए, डन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है, मैं यहां पे, आपने देख लिया ना क्वेश्चन, मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी बराबर सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई लेस देन और इक्वल टू एफ लेस देन जी, इस तरीके से ये पूरा एक स्टेटमेंट है ना। इस स्टेटमेंट को देख के नीचे आपको दो या तीन कंक्लूजन दी जाएगी, जैसे कि एक कंक्लूजन है D is less than A, दूसरी कंक्लूजन है A is greater or equal to G, मान लो दो कंक्लूजन दी गई है, तो आपको बताना है कि बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट कौन सी कंक्लूजन इसमें से सही है, फॉलो करती है, ये आपका आंसर होगा। अगर ओनली वन फॉलो करता है तो आंसर आएगा ओनली वन, मतलब ए आएगा, अगर खाली दूसरा फॉलो करता है तो आंसर आएगा बी। आइदर ए और बी की भी एक कंडीशन आती है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, आइदर ए और बी आता है तो ऑप्शन सी आएगा, दोनों सही है तो ऑप्शन डी आएगा, दोनों गलत है तो ऑप्शन ई आएगा, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आपको लिख के दी जाएगी एग्जाम में,
तो इस तरीके से आंसर देना है। अभी इसको देख के कौन सा आंसर आएगा वो आपको बताना है। देखो कायदे से चलेंगे तो ये दोनों के बीच का रिलेशन आप ए से डी तक का एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसमें आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ए बी और ए और सी, ये तो रिलेशन डायरेक्ट है, फिर आप ए और सी के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल टू है। फिर ए और डी का आप एस्टेब्लिश करेंगे, इस तरीके से आप करते जाएंगे। इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ए और जी में तो देखो इतना दूर है तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आज पढ़ने के बाद ये पांच क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 40-45 या तो एक मिनट ही लगनी चाहिए, पांच क्वेश्चन करने में हो, मतलब हर एक क्वेश्चन 10-10 सेकंड में आपसे आराम से हो जाना चाहिए, बराबर ना। और आप करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा बेसिक चीजें सीख लेते हैं। ये एरो बन गया, ये एरो है ना, ये क्या है, एरो भाई, डन है। अब आपने, हम इसको मतलब ये ग्रेटर देन की साइन है, ये लेस देन की साइन है, वैसे नहीं समझेंगे हम, समझेंगे इसको एरो के हिसाब से। एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन, कहां से कहां जाना है, डायरेक्शन दिखाता है ना। मैं एक करता हूं, इसमें कौन कहां जा रहा है, आप बोलेंगे ए से बी, पक्का ना। दूसरा मैं एक लिखता हूं, इसमें कौन कहां जा रहा है, क्यू से पी, भाई समझ गए। खाली दो ही एग्जांपल में मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, फिर भी आप समझ गए कौन कहां से कहां जा रहा है, डन है। आपको हमेशा यही देखना है कौन कहां से जा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज मान लो, तो ए से आप सी जाएंगे, जा सकते हो, हाँ। दूसरा क्वेश्चन, अब ए से सी जा सकते हो, क्योंकि यहां पे रॉन्ग साइड है, तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो पता चल जाएगा। कभी भी एरो आपका ओपोजिट डायरेक्शन में सामने आके टक्कर लगाता है तो इसका मतलब हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं तो नो रिलेशन, जा सकते हो तो रिलेशन है, डन। तो इतना आपको सीधा पता चल गया, जा सकते हो तो, देखो ये वन टाइप ऑफ स्टोरी है, आप जा सकते हो तो रिलेशन है, आप नहीं जा सकते हो तो सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा ये गलत होगा। देखो हम देखते हैं ए और जी, ये मेरा ए है, ए के घर से निकल के आपको जी के घर जाना है, कोई जी से ए नहीं जाएगा। सबसे पहले कहां देखेंगे, क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखा कहां से कहां जाना है, ए से जी, तो ए से आप जी ट्रैवल करो, ए से बी जा सकते हो, हाँ, इक्वल टू मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, इक्वल टू मतलब कोई रॉन्ग साइड नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो ना तो उसमें इक्वल टू की साइन देखनी ही नहीं है आपको। टोटल कितनी साइन है, पांच, इक्वल टू की साइन आप क्वेश्चन में नहीं देखेंगे तो अब साइन कितनी बची, चार, डन। आंसर में इक्वल टू कभी आएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन नीचे यहां पे कंक्लूजन में मान लो लिखा है B बराबर E, ऐसा लिखा है तो सीधा कुछ नहीं देखना है, सीधा गलत कर देना है, पैटर्न है, इक्वल टू देखेंगे नहीं। नीचे कंक्लूजन में अगर इक्वल टू वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा गलत, पैटर्न है। तो इक्वल टू का साइन खत्म हो गया, पांच में से एक साइन निकल गया, बचे चार ही साइन, डन है। चलो तो यहां से आपको ए से निकलना है और कहां जाना है बच्चों, जी, ए से निकलो, जी जा सकते हो, आप मुझे देख के बोलो, क्योंकि यहां पे रॉन्ग साइड, सॉरी यहां पे रॉन्ग साइड आएगा, नहीं जा सकते हो तो सीधा सीधा गलत, कुछ हुआ ही नहीं, इसमें कहां टाइम जाएगा, धड़ाम करके देखना है। अब जो ज्यादा फास्ट गाड़ी चलाएगा वो जल्दी आंसर देगा, हाँ, क्योंकि रॉन्ग साइड है। अब लेते ही ये वाला, इसमें कहां से कहां जाएंगे आप, ए से डी, ये मेरा ए है, आपको जाना है डी, जा सकते हो कि नहीं जा सकते, जा सकते हो तो अगेन दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं, विथ हाउ मेनी लाइंस, कितनी लाइन के साथ जा सकते हो। देखो बच्चों आंसर, इसको एक लाइन और दो लाइन, इसको हम बोलेंगे कितनी लाइन, तीन, इसको हम बोलेंगे थ्री लाइन, इसको हम बोलेंगे टू लाइन, हा ने? आंसर हमेशा छोटा आएगा। अगर ए से आप डी के घर जाते हो, रास्ते में आपको थ्री लाइन भी मिलती है, रास्ते में आपको टू लाइन भी मिलती है, तो आंसर क्या करेंगे, छोटा वाला मतलब टू लाइन करेंगे। ए से डी के घर जाते हो, रास्ते में आपको थ्री लाइंस भी मिलती है, रास्ते में आपको थ्री लाइंस भी मिलती है, फिर रास्ते में आपको टू लाइंस मिलती है, तो आंसर क्या आएगा, टू लाइंस, इक्वल टू आपको देखना नहीं है, डन है। तो मैं ए से कहां जाऊंगा डी,
ये तो मुझे देखना ही नहीं है, तो रास्ते में थ्री लाइन्स एंड टू लाइन्स, तो आंसर क्या आएगा? टू लाइन्स, टू लाइन्स आएगा। यहां पे कितनी लाइन्स है? टू, मतलब ये सही, बस हो गया। तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट इज ट्रू, या तो फर्स्ट इज फॉलोइंग एंड सेकेंड इज नॉट फॉलोइंग, तो आंसर ए आपका यहां पर आंसर होगा। पैटर्न है, बस यही तो करना है। अब इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप देख सकते हो, यहां पे मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया। पीओ में जहां पे थोड़ा डिफिकल्ट पूछना है, तो वहां पे वो बंदा क्या करेगा, दो स्टेटमेंट देगा, इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, हम वो भी करेंगे। इसके आगे क्या होता है, एक आइधर और, मैंने बोला था ना आइधर और, आइधर और आंसर एक स्पेशल कंडीशन में आता है, तो हम वो भी सीखेंगे। इसके आगे क्या होता है, कोडेड इनइक्वालिटी होता है। यहां पे जो ये आपको दिए है ना साइन सारे, इसमें कोडिंग वो करता है, एट द रेट डालता है, हैश डालता है, कोडेड भी आता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर पूछा जाता है। हम कोडेड नहीं करेंगे, बाकी का सारा करेंगे, ठीक है? चलो तो करते हैं चालू। सबसे पहले हम सिंगल स्टेटमेंट देखो, एक ही स्टेटमेंट है ना ये पूरा, आपको दो स्टेटमेंट वाले भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन है। देखो यहां पे दो स्टेटमेंट है, एक है ये दूसरा है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट हम तो एकदम सस्ते में निपटाएंगे, ठीक है? चलो तो लेते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाँ आपको ऊपर नहीं देखना है, सीधा आपका ध्यान कहां जाएगा, क्वेश्चन में ये देखना है, किसके घर से किसके घर जाना है, एफ से एम, ये मेरा एफ है भाई, जीपीएस चालू किया, चालू किया, एफ से कहां जाना है, एम, जा सकते हो कि नहीं जा सकते, जा सकते हो। अगर पॉजिटिव आंसर है तो अगेन दूसरा क्वेश्चन आएगा, विथ हाउ मेनी लाइन, ये तो देखना ही नहीं है, कितनी लाइन है, टू टू, तो आंसर में टू लाइन है ना, बस ये सही है, दैट्स ऑल। अब लेते हैं दूसरा, किसके घर से जाना है, ए से, कहां जाना है, एम, ए से एम, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलो, बस हो गया। तो एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, और ये क्वेश्चन खाली बैंक में पूछा जाता है ऐसा नहीं है, ये यूपीएससी सीसेट में भी कई बार पूछते हैं, स्टाफ सिलेक्शन में भी ये पूछते हैं, आजकल गुजरात गवर्नमेंट में भी कई कई जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डन है, बैंक में ये हमेशा पूछे जाते हैं। भाई हाँ लेते हैं दूसरा वाला, कहां से जाना है, ई से, कहां जाना है, बी, तो ये जीपीएस चालू किया, ई से बी, रॉन्ग साइड है, देखो यहां पे रॉन्ग साइड है ना, तो ये सीधा सीधा गलत है। हाँ अब लेते ये वाला, आर से क्यू, आर से कहीं नहीं जा सकते हो, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या आएगा, नहीं बोलो भाई, फाउस है, चलो इसको लेते हैं, आर से एफ, हाँ हाथ विथ टू लाइन्स, वेरी गुड, तो ये हो गया, हो गया ना। अब लेते इसको, किसके घर से, एस से आर, जीपीएस चालू किया, एस से आर रॉन्ग साइड है, नहीं जा, सामने ही है उसका घर, ये देखा है, बट जा नहीं सकते हो, हाँ चलो इसको लेते हैं, इसको छोड़ दो, ये आइधर और कंडीशन है, इसको लास्ट में सीखेंगे। चलो अब आप सोचेंगे कि मैंने इतना काटना क्यों चालू किया, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। चलो ये कब का है, NICL AO प्री 2018 है ना, चलो तो ये AO मतलब PO से भी अच्छी पोस्ट है, हाँ बैंक में PO से भी अच्छी नौकरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, चलो तो इसको लेते हैं, हाँ बोलो कहां से कहां जाना है, नहीं I से W जाना है, ये मेरा I है, ये आपका W है, चलो देख के बताओ जा सकते हो, हाँ विथ हाउ मेनी लाइन्स, टू लाइन्स, तो ये सही हो गया आपका। चलो दूसरा लेते हैं, कहां से कहां जाना है, के से W, तो के से W जा सकते हो, जा सकते हो, हूं आली निकला जो, जा सकते हो विथ हाउ मेनी लाइन्स, टू लाइन्स, यहां पे लाइन्स कितनी है, तीन, तो गलत है, लाइन्स भी सेम होनी चाहिए, टू लेन रोड है कि सिक्स लेन, थ्री लेन रोड है, बाय डन है, तो इसका आंसर आएगा ओनली वन, फॉलो। लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, चलो कहां से कहां जाना है, आर से एन, ये मेरा R है, ये आपका N है, चलो बोलो नहीं जा सकते हो, रॉन्ग साइड है बेटा, रॉन्ग साइड है, तो ये सीधा सीधा क्या होगा, गलत। अब आपको R से M जाना है, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो है ना, तो ये हो गया सही, हमें कहीं अघरू लगे है, चलो
सबको प्रॉब्लम होता है सीलोक्स में, अगर जिसने किसी ने भी प्रैक्टिस किया है तो उसको देखो ये कब का क्वेश्चन है, पीओपी है ना, सीलोक्स भी इसी तरीके से। कितना टाइम लगा मुझे पढ़ाने में, 5 मिनट लगा ना, 5 मिनट में ही आपका हो गया। अगर आपको सीलोक्स भी सीखना है तो वो भी इसी तरीके से फटाफट हो जाएगा, बाद में प्रैक्टिस ही करनी है। थोड़े चित्र विचित्र क्वेश्चंस आते हैं उसकी स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहां भी अब वही चल रहा है। चलो करते हैं इसको। हाँ, कहां से कहां जाना है, ए से जेड, ये मेरा ए है, ये आपका जेड है, जा सकते हो हाँ विथ, तो यहां पे कितनी लाइन है, 3, तो इसको गलत करो। चलो दूसरा वाला देखो, कहां से, वी से जेड, वेरी गुड, ये वी है ये जेड है, जा सकते हो विथ टू लाइन्स। आपको पूरा नहीं बोलना है तो इतना भी बोल सकते हो, हाँ 2 लाइन्स, ना ना मैं तो कुछ बोलना नहीं, हाँ 3 लाइन्स। चलो लेते ही ये वाला, क्यू से टी, बोलो ना ना ने, हाँ आई से आर, आई से आर जाना है, जा सकते हो विथ 2 लाइन्स, तो गलत, तो यहां पे आएगा नन फॉलो। चलो लेते हैं नेक्स्ट, कहां से कहां जाना है, बी से एम, तो बी से एम हां विथ 2 लाइन्स। चलो दूसरा वाला, जी से एम, भाई जी से एम है, चलो जी से एम हां विथ 2 लाइन्स। अब कंटाड़ो चालू थी क्यों, जब भी आपको कंटाला आता है ना, इसका सीधा मतलब है कि आपने सीख लिया, तभी तो, या तो कुछ नहीं आता है, दो चीज हो सकती है, या तो पूरा सीख लिया या तो कुछ भी टप्पा नहीं पड़ता है, तो आपके मुंह देख के पता चल गया कि आपने सीख लिया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और, कहां से जाना है, ए से एम, जा सकते हो विथ 3 लाइन्स, और डी कितनी है, 2, तो ये गलत है। चलो कहां से कहां जाना है, बी से के, तो बी से के आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, तो गलत, डन है, ये आईबीपीएस पीओ प्री था। चलो ये करते हैं, अभी यहां भी लिखा है ना मां बाप का नाम, ये मां बाप है, ये LIC डबल है। देखो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन आप करेंगे तो उसमें इंश्योरेंस सारा आ ही जाएगा, उसके लिए कुछ भी अलग नहीं करना है, 100% सेम पेपर होगा, सेम पेपर स्टाइल होगा, और आईबीपीएस ही एग्जाम लेगा, मतलब भर्ती बोर्ड जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और LIC डबल ओ मतलब SBIPO से भी अच्छा जॉब है, SBIPO से भी ये अच्छा जॉब है। चलो उसके क्वेश्चन करते हैं, बोलो ऐसे भी, हाँ क्या ना, हाँ बट हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, यहां पे कितनी दे रखी है, 3 लाइन्स, कैसे भी सुनाली नहीं करो, कैसे भी जा सकते हो, जा सकते हो, बट लाइन कितनी आएगी, 2, तो यहां पे 2 ही लाइन है ना, तो ये सही होगा, ठीक है। चलो अब नीचे वाला लेते हैं, एन से पी, देखो इसमें 2 सेंटेंस है, 2 है ना, तो इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे हम, अभी इसको ले लो। चलो कहां से कहां जाना है, एल से पी, तो एल से पी जाना है, ये एल है ये पी है, GPS चालू किया फोन खोल के, तो जा सकते हो विथ 2 लाइन्स, तो ये सही है। चलो अब दूसरा लेते, ओ से आर जाना है, भाई ओ से आर जा सकते हो, ये मेरा ओ है ये आपका आर है, सीधा रॉन्ग साइड आ गया ना, तो गलत है। नेक्स्ट लेते हैं नीचे वाला, बी से ई जाना है, तो बी से ई जाओ, नहीं जा सकते हो, सविता बेन गलत। अब सी से डी जाना है, सी से डी जा सकते हो विथ 2 लाइन्स, तो ये क्या हुआ बच्चों, सही। छोकरा हां लेते हैं आगे, 2019-20 सारे करेंगे हम, चलो इसको लेते हैं, सॉरी नहीं 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 नहीं, इसको पेंडिंग रखो, ये पेंडिंग रहेगा थोड़ी देर बाद, इसको लेना है। चलो करो, RRB क्लर्क, RRB मतलब ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक जो है ना, रूरल रीजनल रूरल बैंक, वो भी IBPS के तहत ही होता है, सेम पेपर स्टाइल, सब कुछ सेम रहता है। तो अब उसका पेपर है, RRB क्लर्क का पेपर, मेरे हिसाब से बैंक में सबसे इजी एग्जाम ये है, इसमें आप इंग्लिश की जगह पे हिंदी भी रख सकते हो, जो पेपर 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और फाइनेंस, तो ग्रामीण बैंक में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स रीजनिंग फाइनेंस, इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी भी रख सकते हो, और 5वां सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर,
कंप्यूटर के हालांकि 20 ही नंबर्स रहते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर रहते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होता है, तो इस तरीके से होता है। चलो उसके पेपर से कुछ पूछे गए क्वेश्चन लेते हैं 2019 के। कहां से कहां जाना है आपको इसमें? एफ से के, तो ये एफ है ये के, नहीं जा सकते हो। के से एन, के से एन नहीं जा सकते हो, तो दोनों गलत है, घने खोटू लगी जाए, बे खोटा है। चलो इसको लेते हैं, ये आप पेंडिंग रखो, ठीक है ना। अब इसको लेते हैं, डब्ल्यू से एच जा सकते हो तो कितनी लेन? टू लेन। चलो जी से एच जा सकते हो तुरंत फटाफट, जी से एच, हाँ विथ हाउ मेनी लेंस? टू, लो हो गया। चलो आगे चलते हैं, हाँ आर आर बी पी ओ, अब पी ओ का है, ठीक है। चलो डी से क्यू, डी से क्यू जा सकते हो विथ टू लेंस, तो ये सही है। चलो अब लेते हैं ए से सी, नहीं जा सकते हो तो गलत है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एस से बी, ये मेरा एस है ये आपका बी है, रॉन्ग साइड है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रॉन्ग साइड है, तो ये गलत होगा। चलो एफ से ई, एफ से ई कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, गलत है। कोई हम ना कैसे भाई थी, हम डायरेक्ट जो तो रहो। चलो इसको लेते एन से जी, हाँ क्या ना, पहली बेंच, हाँ क्या ना, हाँ हाँ विथ टू लाइन्स। चलो आई से एल, आई से एल जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो ये थ्री लाइन्स है, बराबर ना। अब मैं नहीं देखता हूं, आप बोलते हो वो हाँ कर देता हूं, मैं कुछ नहीं देखता हूं। चलो बी से ई, घना तैयार हो हम, अगलो क्वेश्चन है ना, जवाब बता नहीं पहला आपको। चलो बी से ई हाँ विथ टू लाइन्स, जी से ई हाँ विथ टू लाइन्स, आगे बढ़ो। ये कब का है? एसबीआई का है, मतलब सब में पूछा जाता है, आप देख लो। चलो एसबीआई सबके करते हैं इस तरीके से, फिर ये देखो आप 2020 आ गया। चलो एसबीआई लेते हैं, किसी को ये लगेगा सर एक ही क्वेश्चन है क्या? एक्चुअल में क्या होता है, मैंने ये जो डिफिकल्टी वाइज पूरी सिक्वेंस को अरेंज करके रखा है, तो डबल जो भी सेंटेंस होंगे, तीन स्टेटमेंट होंगे, तो उसको हमने अलग रखा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये होंगे, कुछ क्वेश्चन वो वाले होंगे, तो यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। बट नॉर्मली 3 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ज्यादातर केस में 5 ही पूछे जाते हैं। अगर तुमने गमे के ना गमे आप पूछे तो है, हाँ तो पहला जो ये साहब लिटरली एग्जाम में आपकी आंखें ढूंढती होगी। अब लोग बोलते हैं कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने है ना, तो ये 1 मिनट में 5 तो आपके हो गए। अब आपके पास 19 मिनट का टाइम है और क्वेश्चन कितने करने? 30। इसके बाद आता है सीलॉक्स, सीलॉक्स मैक्सिमम 2 मिनट ना बेटा, मैक्सिमम 2 मिनट, और जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा घर पे एडवांस में, उसको पता होगा कि सीलॉक्स में कभी सही होता है कभी गलत होता है, 100% सही किसी का नहीं होता है। उसको आपका मान लो 50-60% सही होता है, 100% पे जाने के लिए और 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट में आपका सीलॉक्स भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से होगा, देखो मेथड बेस्ट होनी चाहिए जिससे आपका टाइम भी कभी बर्बाद ना हो और कहीं भी आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता हो और एकदम परफेक्ट आंसर मिले। स्पीड एंड सिक्योरिटी दोनों चीज हमें चाहिए, खाली स्पीड में आडे जड़ जाओ आखा गाम ने पाड़ता जाओ तो एनो कोई मतलब नहीं, और धीरे धीरे चलो सब कुछ सही करो कहीं भी टक्कर ना हो इसका भी कोई मतलब नहीं है। स्पीड भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, बराबर ना। तो इसमें ये एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। चलो और 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, कहां से कहां जाना है? क्यू से टी जा सकते हो विथ टू लाइन्स, कहां से कहां? यू से आर नहीं जा सकते, गलत ना। चलो अब आर आर बी के क्वेश्चन हमने पीओ के किए, ठीक है। चलो एस बी ए क्लर्क, ये 2020 का है ना, चलो इसको कर लेते हैं, सॉरी इसमें 2 स्टेटमेंट है, 2 अभी लेते हैं, ठीक है ना, इसको रखते हैं पेंडिंग, ठीक है, इसको लेते हैं, इसमें भी 2 है तो ये भी रखो पेंडिंग, हम यही करेंगे, पुराने वाले नहीं सॉल्व करेंगे। चलो इसको बोलो नहीं जा सकते हो ना, चलो वाई से टी, वाई से टी जा सकते हो विथ टू लाइन,
टाइल्स, इसको भी पेंडिंग रखो, रखेंगे ना। चलो हाँ, ये भी दो है, अब दो दो वाले ज्यादा है, ठीक है, तो आपने सीख लिया ये। चलो तो अब लेते हैं दो दो वाले, जहां थे वहीं पे वापस आ जाते, इसमें सिंगल सिंगल ही आप कर लेंगे ना, हो जाएगा ना आपसे आराम से। चलो तो अब लेते हैं दो दो वाले, ऊपर एक है नहीं, भरपूर जहां पे होंगे हम वही पकड़ेंगे, ठीक है। चलो है ना, देखो एक स्टेटमेंट ये है कि नहीं, एक स्टेटमेंट ये है ना। मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूं, P बराबर S लेस देन T लेस देन और इक्वल टू U, है कि नहीं। दूसरा क्या है, Q लेस देन और इक्वल टू U बराबर A ग्रेटर देन और इक्वल टू P। ये कितने सेंटेंस है, दो। मेरा काम, सबसे पहला काम है दोनों को मर्ज करना, करेंगे मर्ज। तो कॉमन कौन है, ये आप ये मान के चलो ये एक सोसाइटी है, ये गोकुल धाम है, चलेगा ना है। करना है मतलब दो सोसाइटी अगल बगल में है, दोनों में जो कॉमन होगा ना, उसके घर से आप एक सोसाइटी से दूसरे घर जा सकते हो। दोनों में कॉमन कौन है, यू के घर से आप कहीं भी इधर उधर जा सकते हो, तो ये यू है। चलो इसमें हम डालते हैं यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू है भाई, ये ही पूरा का पूरा मैंने इधर कॉपी किया है। तीन लाइंस किसको लग रही है, क्यू को, ये हो गया आपका। अब यू के बराबर क्या है, ए। तो बराबर यहां पे मैं ए करूंगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इस तरीके से करूंगा भाई, हो गया भाई, हो गया ना पक्कू। अब लेते हैं क्वेश्चन को, इक्वल टू तो पिताजी ने हजारों करोड़ों साल पहले बोल दिया, गलती होगा, क्यों गलत होगा, इसका रीजन जब मैं क्लास रेगुलर क्लास में लूंगा ना तब सिखाऊंगा। अभी आप ये मान के चलो कि पिताजी सही बोल रहे हैं, डन है। अब लेते दूसरा वाला, कहां से कहां जाना है, ए से एस, तो अब तो हो गया ना आपका, ये कौन है आपका ए, ये कौन है आपका एस, तो ऐसे मुड़ के जाना है। जा सकते हो क्या, जा सकते हो विथ हाउ मेनी लाइन्स, टू लाइन्स, इसमें कितनी लाइन्स है, तो ये गलत है भाई, हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हूं राजी था, राजी थियो बोला हमें ज्वाइन, मुझे इसमें भी अच्छा नहीं लगा, राजी होने का कोई बात नहीं है, ये लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना। देखो एग्जाम में कभी भी आपने लिखने की आदत डाली ना, मतलब आप सीधा समय से छूट जाएंगे, टाइम आपका बर्बाद होगा, कॉपी करना पड़ता है, ये जो था वो कॉपी किया। मैं जब भी कॉपी करूंगा तो दो रिस्क है, एक तो टाइम जाएगा, दूसरा गलत लिखी तो पूरा आंसर गलत होगा। तो कभी भी कोई चीज लिखनी नहीं है, लखे ना काड़ का माना हम, तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो तरीके से लोग करवाते हैं, हम ये करेंगे, हम इसको भी भूल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको देखेंगे, देखेंगे। चलो कहां से कहां जाना है, सीधा अपना पुराना आदत, कहां से कहां जाना है मोटा, ए टू एस, ये मेरा ए है, ये आपका एस है, जीपीएस चालू किया, दोनों अलग अलग सोसाइटी में है, डन। दोनों में जो कॉमन होगा वहां से वाया होके आप जाएंगे, हमेशा अलग अलग सोसाइटी होती है, तो दोनों सोसाइटी में जो कॉमन है वहां से वाया होके आपको जाना है, डन है। दोनों में कॉमन कौन है, तो ए से मैं यू जाऊंगा, फिर यू से एस जाऊंगा, हो गया आपका रास्ता क्लियर। ए से यू जा सकते हो, हाँ, यू से एस जा सकते हो, हाँ, विथ हाउ मेनी लाइन्स, टू लाइन्स, यहां पर कितनी लाइन है, तीन, गलत, कुछ नहीं किया, थोड़ा टाइम लगता तो भी चलेगा, बट लिखने का मैं कभी पसंद नहीं करूंगा, हम लिखेंगे नहीं कभी भी कुछ, सीधा आंसर ही टिक करेंगे, दिमाग से सोचना है तो हम सोचेंगे, डन है। चलो दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है, कहां से कहां जाना है, ए से ई, दोनों में कॉमन कौन है, सी, तो ए से मैं सी जाऊंगा, सी से मैं ई जाऊंगा। अब आप बताओ जा सकते हो क्या, विथ हाउ मेनी लाइन्स, यहां पर कितनी लाइन है, तीन, तो ये है गलत भाई, डन है। चलो कहां से कहां जाना है, एफ से डी, ये मेरा एफ है, एफ से मैं सी जाऊंगा, सी से मैं डी जाऊंगा भाई, हाँ, एफ से डी, हाँ, सॉरी एफ से सी, हाँ, सी से डी, हाँ, विथ हाउ मेनी लाइन्स, टू लाइन्स, तो ये हो गया आपका सही, डन, अंबे मात की जय। अब इसको लेते, सॉरी इसको रखते हैं पेंडिंग, ठीक है ना। चलो
अब लेते ही ये वाला। इसमें कितनी सोसाइटी है? 3 सोसाइटी। ये एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो तीनों सोसाइटी को निपटाते हैं। कहां से कहां जाना है? जी से भी। ये मेरा जी है ना, तो जी से मैं कहां जाऊंगा? डी। और डी से मैं कहां जाऊंगा? वी। भाई हो गया, जी से वी तो जा सकता हूं, वी से डी नहीं जा सकता, सॉरी डी से वी नहीं जा सकता। भाई आने, मैंने देखो ऊपर एरो भी इसी तरीके से किया, ये तो डन है, ये डन नहीं है, नहीं है ना, तो ये सीधा सीधा क्या होगा? गलत, नहीं जा सकते हो। अब कहां से कहां जाना है? क्यू से वाई। कहां गया क्यू? क्यू। क्यू से मैं कहां जाऊंगा? डी। और डी से मैं कहां जाऊंगा? वाई। जा सकते हो विथ, तो ये हो गया आपका सही। भाई ठीक है, तो ये 3-3 सोसाइटी थी, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते, हम इसको पकड़ते 46। चलो ये वाला पी से एच, आप चेक करो जॉइन। मतलब बता उसी अर्थ ही है। चलो मैं चेक करता हूं, पी से एच ना, तो ये मेरा पी है, ये आपका एच है, बगल में ही है, बट चेक करेंगे पी से जे और जे से एच। भाई हां, पी से जे, हां जे से, सॉरी पी से जे ही ना, तो गलत है। चलो तो ये क्या होगा बच्चों? गलत। अब लेते हैं दूसरा वाला, एम से बी। एम से बी, तो ये सेम सोसाइटी है, घना तो ये लखण हो, बीजे आंटो मारी आवे, तू तारी सोसाइटी मारे। हाँ चलो, एम से बी जाना है, नहीं जा सकते हो, कोई व्यवहार नहीं, तो दोनों गलत है, नन फॉलो बच्चों, ठीक है। चलो लेते हैं ये वाला, इसमें 3 सेंटेंस है, ठीक है ना। चलो ई से एल। ई से कहीं भी नहीं जा सकते हो, सीधा रहो, ई के घर के बाहर निकलो सीधा कुआ है, हाँ तो नहीं जा सकते हो, तो ये तो सीधा सीधा गलत है ना। चलो क्यू से बी। क्यू से मैं कहां जाऊंगा? एम। और एम से मैं कहां जाऊंगा? बी। भाई जीपीएस में रूट लगा दिया मैंने, अब चेक करो क्यू से एम, यस। एम से बी, यस। विथ आपने पूरा रूट चेक कर लिया, रास्ते में कहीं 2 लाइंस थी, तो आपको छोटा व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। बड़ा रास्ता है तो आपका छोटा बड़ा कोई भी व्हीकल चल जाएगा, बट जब छोटा रास्ता आएगा तो उसके लिए तो छोटा ही व्हीकल चाहिए, तो आंसर छोटा, ठीक है ना। चलो इसको लेते हैं, क्यू से कहां जाना है बच्चों? डी। तो क्यू से डी जाना है, तो क्यू से पहले मैं कहां जाऊंगा? एम। एम से मैं कहां जाऊंगा? एल। और एल से मैं कहां जाऊंगा? डी। देखा, वहां का चूका साकड़ मोकड़ होके जाना पड़ता है भाई, समझे। फिर से लेता हूं, चलो ये मेरा क्यू है, तो Q और Q से कहां जाना है आपको? D। ये 2 सेंटेंस में कोई भी कॉमन नहीं है, अब चेक करो, कोई भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, या इस सोसाइटी से इसमें जाऊंगा, यहां से फिर इधर आऊंगा, ठीक है। तो ये 2 सोसाइटी में कौन कॉमन है? M। तो Q से मैं M जाऊंगा। अब इधर से इधर आना है, तो ये दोनों में कॉमन कौन है? L। L है ना, तो M से मैं कहां जाऊंगा? L। और L से मैं कहां जाऊंगा? D। जो ही ली तू, आप बराबर है ना, जब रास्ता देखते तभी देख लो जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। यहां पे ना आ गया ना सीधा, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों पूरा देखूंगा, मुझे सिर्फ आंसर टिक करना है, वो जाए भाड़ में, डी जाए भाड़ में, क्यू जाए भाड़ में, मोटू बधु बंगा सूखा तुझे, ठीक है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन जा सकता है कौन नहीं, मुझे आंसर चाहिए, आंसर क्या है? नेगेटिव है, दैट्स ऑल, बस हो गया भाई, डन है। चलो अब कहां से कहां जाना है? ओ से ई। ये मेरा ओ है, आपका ई यहां पे, तो ओ से मैं एम जाऊंगा, जा सकते हो, एम से ई जाऊंगा, जा सकते हो, हा विथ 2 लाइंस, बस ये सही है, दैट्स ऑल, डन है। चलो लेते हैं नेक्स्ट, जब आप चेक करते हो ना तब ये भी चेक कर लो, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, मतलब वापस मुड़ना है तो तुरंत मुड़ जाओ। चलो ठीक है, हाँ इसको छोड़ो, ये पेंडिंग रखो ना, हजी तमें बाढ़ छो, अब इसको ले लो, ये भी पेंडिंग रखो, हजी तमें बाढ़ छो, हजी तमें बाढ़ छो। चलो इसको देखते, एम से आई, तो एम से जे, जे से आई, जा सकते हो। देखो एम से जे मैं जब बोलता हूं ना तभी चेक भी कर लेता हूं पैरेलल, जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, आपको भी ये आदत डालनी है, दोबारा कोई वापस इधर नहीं आएगा, जो आएगा उसको काड़का मां का हम है,
एम से जे हां, जे से आई हां विथ टू लाइन्स, तो गलत। जे से आई सेम सोसाइटी है, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो गलत। तब जाके आपका एक मिनट में होगा, हां टाइम पास करेंगे तो नहीं होगा। इसको रखो पेंडिंग, ये भी पेंडिंग। चलो अब इसको लेते हैं, देखो यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है कि नहीं। चलो इसको लेते हैं, कहां से कहां जाना है, एफ से ई, तो एफ से कहां जाएंगे, डी, हां ने, डी से कहीं नहीं जा सकते हो, हां ने, देखो एफ से डी, डी से नहीं, सॉरी 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 गलत है, एफ से एन जाना है, एन से ई जाना है, रास्ता है भाई, हां, तो एफ से एन हां, एन से ई हां, विथ हाउ मेनी लाइन्स भाई, हम जानो ना, थ्री लाइन्स टणपा, तो आंसर इज ट्रू। चलो डी से सी जाना है, सीधा एक ही सेंटेंस में दिखता है, डी से सी जा सकते हो, देखो सी से डी जा सकते हो, बट पूछा उल्टा है आपको, इसीलिए हमने पहले ही एरो का डिस्कशन कर लिया है। कहां से कहां जाना है बच्चों, डी से सी, बालकनी में बराबर है बहनों, डी से सी जाना है, तो डी से सी नहीं जा सकते हो, गलत ना। चलो एन से ए जाना है, तो एन से ए जाना है, तो हम एन से कहां जाएंगे, डी जा सकते हो, और डी से ए नहीं जा सकते हो, तो सीधा सीधा गलत। अब लेते हैं एफ टू बी, एफ टू बी, एफ कहां गया, ए रहा, एफ से कहां जाएंगे, एन, और एन से कहां जाएंगे, बी, जा सकते हो विथ थ्री लाइन्स, तो ये होगा सही। विफाउ से करेंगे, तो अब सीधा लेते हैं हम लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन, आईबीपीएस पीओ, हाँ ना, मतलब आज ही मैंने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आप ट्यूशन रखते हो नहीं रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पांच नंबर जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप मुझे जरूर से याद करेंगे, ठीक है। चलो लेते हैं इसको, तो कहां से कहां जाना है, एक्स से के, तो एक्स मेरा ये रहा, के मेरा इधर है, दोनों सोसाइटी अलग अलग है, तो दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, एल, तो एक्स से एल और एल से के, हाँ ने, एक्स से एल हम जा नहीं सकते हैं, तो सीधा सीधा क्या होगा, गलत। अब लेते हैं दूसरा वाला, डब्ल्यू से मुझे जाना है एम, डब्ल्यू से देखो मैं कहीं नहीं जा सकता, डब्ल्यू के घर सब आते हैं, डब्ल्यू कहीं जाता नहीं है, तो ये होगा गलत। अब लेते हैं ये वाला, वाई से जेड, ये मेरा वाई है, ये आपका जेड है, दोनों में कॉमन कौन है, ए, तो वाई से ए, ए से जेड विथ टू लाइन्स, तो टू लाइन ही है। अब जाना है मुझे एस से क्यू, कोई सीधा हम वंडी कूदी ना जाए, बराबर ना, चलो एस से क्यू जाना है, तो ये मेरा एस है, ये आपका क्यू है, दोनों में बच्चों कॉमन कौन है, ए, तो एस से मैं ए जाऊंगा, ए से मैं क्यू नहीं जा पाऊंगा, तो गलत। फावे आगे चलते हैं, के से एम, कहां गया मेरा के, ये रहा के से, और ये है आपका एम, तो दोनों में कॉमन कौन है, एल, तो के से एल नहीं जा सकते हो, तो गलत है। चलो अब पी से एम, जो लोग घर पे बैठे हैं वो भी बोलते रहेंगे ना साथ में, जा सकते हो नहीं जा सकते हो बोलते रहना है, ताकि पता चलेगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैं इंटेंसली थोड़ा स्लो चलता हूं ताकि आपको टाइम मिले, इवन बाद में भी ये वीडियो आप पीछे से भी कभी देखते हो तो उस टाइम भी आपका बढ़िया तरीके से हो जाए, समझे ना आप, तो इसी तरीके से मैं चल रहा हूं। चलो पी से एम, तो ये मेरा पी है, ये आपका एम है, दोनों में कॉमन कौन है, एल, P से L जा ही नहीं सकते हो, तो बात कहां से आगे बढ़ेगी, डन है। चलो नेक्स्ट IBPS PO ही चल रहा है, चलो M से U जाना है, सेम सोसाइटी है, चलो देख के बोल दो फटाफट, जा सकते हो विथ थ्री लाइन्स, तो ये क्या होगा, सही। G से Z, G से Z, ये मेरा G है, तो G से हम कहां जाएंगे, A, और A से हम कहां जाएंगे, Z, तो जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो ये भी सही है, डन है ना। चलो अब NICL आ गया, R से N, चलो फटाफट R से N, सीधा है ना, बोलो
टू लाइन्स तो सही है ना। चलो अब R से L, तो R से जाएंगे N, N से K, K से L, जा तो सकते हो, वहां का चुका होके जा सकते हो विथ टू लाइन्स। चलो नेक्स्ट, X से L, ये मेरा X है, ये आपका L है, दोनों में कॉमन कौन है, G, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो ये सही है। नेक्स्ट लेते हैं G2K, ये मेरा G है, ये आपका K है, G से J, J से K, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, कोई KGF नहीं करेगा हो? चलो अब लेते हैं इसको A2X, A से X, वेरी गुड, A से X मतलब कैसे जाएंगे आप, A से T और T से X, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, पैडन है। अब लेते हैं R से T, ये तो सीधा ही है ना, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो आने के भाई कुदरत ने सुख दी तू, हाँ ने कुदरत ने सुख दिया। चलो अब इसको लेते हैं, नहीं ये अभी आप बच्चे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। नेक्स्ट चलो अब लेते हैं आगे, बोलो SSC नहीं जा सकते हो, એટલે શરમાવાનું નહીં, મોઢે જ ના પાડી દેવાની, મારે તારી યારે વ્યવહાર રાખવો નથી। ચલો બી સે ડી, યે મેરા બી હે, યે આપકા ડી હે, વાયા ક્યા હોગા, વાયા સી, બી સે સી નહીં જા સકતે હો, ડન હે। ચલો લેતે હે યે વાલા, દેખો SBIPO હે, મતલબ સારા આ ગયા ના, અભી સારા કા સારા હો ગયા ના આપકા। ચલો X સે M જાના હે, तो X से हम कहां जाएंगे, H, और H से M, को क्या ना पाड़ी दी थी हवर हवर में। चलो X से L, तो X से H, H से L, चेक करें प्लीज, जा सकते हो विथ टू लाइन्स। अब लेते ही ये वाला G से Z, ये मेरा G है, ये आपका Z है, दोनों में कॉमन कौन है, C, तो G से C, C से Z, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, डन है जी। चलो J से X, ये J है, ये X है, दोनों में कॉमन कौन है, C, तो J से C, C से X, जा सकते हो विथ टू लाइन्स, तो कोई इश्यू है, डन है। तो सिंगल स्टेटमेंट है, डबल स्टेटमेंट है, ट्रिपल स्टेटमेंट है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन है। तो अभी और एक चीज बाकी है, आइथर और, जरा हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब आइदर और आंसर कब आता है, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, देखो कोई भी नई चीज मैं सिखाऊंगा ना, तो सबसे पहले मेरे घर का एक दो एग्जांपल लूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवाया जा सके, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी बराबर सी, ग्रेटर और इक्वल टू डी, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है आपको, ठीक है। नीचे दो कंक्लूजन दी जाती है, डी इज लेस देन ए, डी बराबर ए, हाँ? अब ये तो आप सीधा बोलेंगे सर गलत है, हाँ ना, अब इसको चेक करो, ए से डी जा सकते हो, हाँ विथ हाउ मेनी लाइन्स, थ्री लाइन्स, यहां पे कितनी लाइन्स है, टू लाइन्स, तो ये भी गलत है कि नहीं। देखो मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, आज रात को बारिश होगी, एक दूसरी भविष्यवाणी, आज रात को बारिश नहीं होगी, क्या दोनों गलत हो सकती है, क्या दोनों सही हो सकती है, नहीं। मैंने एक ही चीज के बारे में दो बार बात की है, एक बार पॉजिटिव की, एक बार नेगेटिव की, कि नहीं, तो दोनों चीज एक साथ गलत नहीं हो सकती है, दोनों चीज एक साथ सही नहीं हो सकती है। अगर पहली चीज सही होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी गलत होगी, अगर पहली गलत होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी सही होगी, भाई हां। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी एक ही चीज के बारे में दो बार बात की जाती है तो आइदर और, मतलब पहला या दूसरा, आइदर और आने का चांस है। तो पता कैसे चलेगा कि आइदर और कब आएगा, तो नियम नंबर वन, ये आप दो कंक्लूजन देखते हो, दोनों के दोनों वेरिएबल सेम है, देख लो आप DA DA है कि नहीं, तो जब कभी भी आप इस तरीके के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते हो, उसमें कोई भी दो कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल दोनों में सेम है, कंडीशन नंबर वन सेम है,
इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग है, देखो दोनों रॉन्ग है, तो आपको चेक करना है आइधर और, डन। अब आइधर और चेक करते हैं, दोनों को मर्ज करो, करो मर्ज, तो ये दोनों मिक्स होंगे तो ये वाला आंसर बनेगा। अब इसको चेक करो इसमें, तो ये मर्जिंग सही हुआ, अगर मर्जिंग सही होता है तो इसका मतलब है आंसर इज आइधर और, होगा ना। आप चेक करो ए से डी, ए ग्रेटर देन डी भी हो सकता है, ए बराबर डी भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, तो दो में से एक तो सही होना चाहिए ना। तो पता चल गया आपको आइधर और आंसर कब आएगा, दोनों कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल सेम है, एक चीज, दूसरी चीज इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग है, तो दोनों को मर्ज करके मर्जिंग को चेक करना है, करना है मर्जिंग को। आप चेक करेंगे, अगर मर्जिंग आपका सही होता है तो आंसर आइधर और, अगर मर्जिंग गलत होता है तो दोनों गलत, फिर आइधर और नहीं आएगा, फिर डन है। कुछ बच्चे रिस्क लेते हैं, दोनों वेरिएबल सेम होते हैं ना, सीधा आइधर और ठोक देते हैं, और मोस्ट ऑफ केसेस में सही भी होगा, मोस्ट ऑफ केसेस में, 100% नहीं होगा, बट मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि रीजनिंग 35 नंबर का होता है प्रीलिम में, तो 35 में से 35 आने चाहिए, एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आपका इंग्लिश वीक है, समझे ना, तो इंग्लिश वीक है तो आपको कहीं से तो कवर करना पड़ेगा ना, तो यहां से कवर कर लो। ओवरऑल जो मेरिट बनता है उसमें ऐसा नहीं देखा जाता है कि इंग्लिश में ज्यादा है कि मैथ्स में ज्यादा है कि रीजनिंग में ज्यादा है, अब कहीं से भी ओवरऑल मेरिट अगर स्कोर करना है तो कहीं से भी स्कोर करो, तो यहां पे एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, 35 में से 35 आपको खींचना है। टाइम का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, नहीं आता है ऐसा भी कोई इश्यू नहीं होगा, तो कब आइधर और आएगा पक्का है, अब बाद में इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसको करते हैं, चलो ये लेंगे, नहीं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आपको पहले मैं प्रैक्टिस करवाता हूं भाई, इस तरीके से स्टेटमेंट है, हो गया, अब चेक करते हैं ये गलत है, हाँ ने कहां से कहां जाना है, डी से बी, डी से बी जाएंगे तो कितनी लाइन आएगी, 3 लाइन, तो ये भी गलत है भाई, हाँ दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों इंडिपेंडेंटली गलत है, तो दोनों को मर्ज करो। अब देखो मर्जिंग कैसे होता है, ये दोनों की दिशा उल्टी है, यहां पे डी है तो डी इधर है, एक में डी लेफ्ट है एक में डी राइट है, तो आप इसको काट के बी बराबर डी लिख सकते हो, अब मर्जिंग करो तो बी लेस देन और इक्वल टू डी होगा, अब आपको डी से निकलना है बी जाना है, डी से निकलो बी जाओ, जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, तो विथ हाउ मेनी लाइंस, 3 लाइंस, तो इसका आंसर क्या होगा, आइधर और भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, भाई डन है, चलो तो टी बराबर पी, टी ग्रेटर देन पी, चलो पहला तो सीधा सीधा गलत कर दिया, टी से पी आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना, टी से पी कहां जा सकते हो, गलत। अब ये दोनों को मर्ज करो, कर दिया, चलो अब टी से पी तो भी नहीं जा सकते हो, तो इसका आंसर आएगा नन फॉलो, भाई डन है, भाई डन है, चलो तो और इसका आंसर होगा नाइधर नॉर, डन, चलो आगे चलते हैं भाई, हो गया। अब चलो बाद में मैं ऑप्शन बॉप्शन लिखता हूं, इसमें ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, खाली मुझे आंसर दो, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता है तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, बनती है कि नहीं, कोई रिलेशन, जब दो चीजों के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, क्या, ए बड़ा भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है, ए इक्वल भी हो सकता है, हमारी बात बराबर जी है, जब भी नो रिलेशन होता है तो 3 रिलेशन बनने के चांस है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। अब इसके ऑप्शन चेक करें, अब मुझे आप इंडिपेंडेंटली बताओ, सही है, सॉरी माय मिस्टेक,
ए से सी ना, सी से ए ना, दोनों गलत है। अब आपको क्या चेक करना है, दोनों को मर्ज करके, मर्ज करके चेक करेंगे। चलो मर्ज करो भाई। हां अभी मर्ज था तो अभी साइन था ही ना, ऐसे ही तो साइन होगा। चलो अब ए और सी के बीच में कितनी साइन होगी, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो तीन साइन आ गई। जब नो रिलेशन होता है तो दोनों के बीच कितने रिलेशन बनते हैं, तीन, तो बन गए ना तीन। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर वन। एला हम जानो, हाँ नहीं समझे हो तो याद रखो, जब भी कोई दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन को मर्ज करके अगर तीनों साइन आती है तो ही आइदर और आंसर आएगा भाई। हाँ अब देखो दूसरा, यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ अब दोनों को मर्ज करो, क्या आंसर बनेगा, ए और सी के बीच क्या रिलेशन है, नो रिलेशन। नो रिलेशन है तो यहां तीनों साइन आनी चाहिए मर्जिंग में, मर्जिंग में तीनों साइन आती है, नहीं आती है तो नाइदर नोर आएगा भाई। समझ रहे हो आप भाई, हम जो जो। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं भाई, हो गया। नाउ ए इज लेस देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी, अब मुझे आंसर दो। ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, गलत है। जब भी दोनों गलत होते हैं, दोनों वेरिएबल सेम होते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं, मर्ज करके। इसको मर्ज करेंगे तो ये आएगा। अब ए और डी के बीच में क्या है, नो रिलेशन। नो रिलेशन है तो कितनी साइन आती है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो यहां पे मर्जिंग में ये तीनों साइन आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए कि नहीं, यहां पे कितनी साइन है, दो ही, तो आइदर और नहीं आएगा। जब भी दो वेरिएबल के बीच में नो रिलेशन होता है तो मर्जिंग में तीनों साइन आनी चाहिए, नहीं आती है इसका मतलब नाइदर नोर, हा ना। चलो अब करते हैं चालू। हाँ पहले ये वाला लेते हैं। हाँ बोलो, वाई से वी, चलो बोलो वाई से वी जा सकते हो आप, वाई से एक्स और एक्स से वी जा सकते हो, जा सकते हो विथ टू लाइन्स। यहां पे कितनी लाइन्स है, तीन, तो ये गलत होगा। अब लेते हैं दूसरा वाला, V से Y, ये मेरा V है, V से मैं कहां जाऊंगा, V से X जा ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी गलत है भाई। हाँ अब आप देख सकते हो ये दोनों गलत है भाई। हाँ तो दोनों गलत है, दोनों वेरिएबल सेम है बच्चों, दोनों वेरिएबल सेम है, तो मैं दोनों को मर्ज करता हूं, Y और V को भाई। हाँ भाई ये बनेगा, हजी ना हम जानो हो तो फिर से, y इज ग्रेटर देन v, डन है। इसको y को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं भाई, हो गया। अब ये दोनों को मर्ज करो तो y ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू v भाई, ये बनेगा मर्जिंग के बाद, ये बनेगा। ये कब सही होगा, जब y और v के बीच नो रिलेशन है, नो रिलेशन है तभी बनेगा। चलो मैं पहले कहां से निकलूंगा, y से निकलूंगा, मुझे जाना कहां है, v, y से v में जा सकता हूं, y से x, x से v जा सकता हूं, मतलब रिलेशन है, रिलेशन है, हा है ना, क्या रिलेशन है, y इज ग्रेटर देन v भाई, आ हुआ जवाब आवे। हा तो अब देखो इसमें भी ये आंसर नहीं है, मतलब ये भी गलत है, ये भी नहीं है ना, तो ये भी गलत है, ये आपका मर्जिंग है, सेम है क्या, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर नोर भाई। हम जानो सही आंसर ये होगा, आपको सही आंसर लिखना है, सही आंसर ये होगा, सही आंसर आपको यहां भी नहीं मिलता है, यहां भी नहीं मिलता है, यहां भी नहीं मिलता है, तो क्या आंसर आएगा, नाइदर नोर। अगर सही आंसर आपको यहां पर मिल जाता तो क्या आता, आइदर नोर। हाँ अगर सही आंसर आपको यहां पे मिलता तो आंसर क्या आता, ओनली टू। अगर सही आंसर आपको यहां पे मिलता तो क्या आंसर आता, ओनली वन। अगर सही आंसर आपको यहां दोनों में मिलता तो आंसर क्या आता, बोथ होलो भाई। क्लियर छे, चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मुझे यहां तक पता है आप बराबर समझे नहीं हो, दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। चलो कहां से कहां जाना है, चलो जाओ एन से कहां जाएंगे, ओ से पी जा सकते हो विथ थ्री लाइन्स, तो गलत है, ये तो गलत ही है। अब आपको ये दोनों को मर्ज करना है, तो ये होगा,
अब आपको एक स्टेप यहां पे क्या करना है, मैं थोड़ा अलग से सिखाता हूं। देखा आपने क्वेश्चन, आपको एन और पी के बीच में सही रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है? सही रिलेशन। चलो लिखते हैं, एन से कहां जाएंगे? ओ से कहां, सॉरी कहां जाएंगे? पी। एन से ओ से पी जा सकते हो विथ हाउ मेनी लाइन्स? भाई लिख दिया, ये सही है। अब ये सही कहां पे? ये तीनों में से कहीं भी है, यहां पे है, यहां पे है ना। तो ये कौन सा है? मर्जिंग है। मर्जिंग सही है तो आंसर क्या आएगा? आई तरह। तो बस आंसर लिखना है आई तरह। भाई डन है, चलो लेते हैं ये वाला। इसमें एम और आई है, जे और आई है, तो अलग अलग वेरिएबल है ना भाई, हाँ ना। तो इसमें आइदर और का चक्कर नहीं आएगा। आइदर और आंसर कब आता है? जब दोनों में दोनों वेरिएबल सेम हो। चलो तो इसको हम नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमने पेंडिंग किया था, हम इसको दोनों को लेते हैं। देखो सी जे सी जे डन है। सबसे पहला काम इंडिपेंडेंटली चेक करो, तो मैं इंडिपेंडेंटली चेक करूंगा। चलो मुझे सी से जे जाना है, आप बताओ सी से जे जा सकता हूं कि नहीं? सी से मैं कहां जाऊंगा? सी से बी, बी से ई, ई से जे। सी से बी, बी से ई, ई से जे, जा सकता हूं विथ थ्री लाइन। तो ये सही हो गया। अगर ये सही है तो ऑटोमेटिकली दूसरा गलत ही होगा ना। एक ही चीज के बारे में दूसरी बार बात की गई है, पहली चीज सही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज गलत होगी भाई, हाँ। तो इसमें आइदर और नहीं आएगा। आइदर और कब आता है? जब दोनों गलत होते हैं, तो फिर चेक करके बताना होता है। अब हो गया आपका ये, चलो अब इसको लेते हैं। कहां से कहां जाना है आपको? ओ से एम, तो ओ से कहां जाएंगे? एन। और एन से कहां जाएंगे? एम। जा सकते हो विथ हाउ मेनी लाइन्स? टू लाइन्स। इसमें कितनी लाइन है? थ्री। नहीं आएगा ना ये ओ से, ये एम से ओ नहीं जा सकते हो ना, तो ये भी गलत होगा भाई, हाँ। सॉरी फरी थी चेक करिए। चलो ओ से एम मुझे बताओ, आप देख के बताओ जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो। ओ से एन, एन से एम जा सकते हो विथ हाउ मेनी लाइन्स? यहां पे कितनी लाइन है? तीन। तो ये गलत है, हाँ। कुछ मत सोचो अब, कुछ मत सोचो अब, दूसरा वाला ले लो। कहां से कहां जाना है? एम से ओ, एम से ओ आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, तो ये भी गलत भाई, हाँ। डन है। अब दोनों गलत होते हैं तो ही आइदर और के बारे में सोचना है। जब कभी दोनों कंक्लूजन गलत होती है तो सबसे पहले चेक करो दोनों सेम है, हाँ है, तो आइदर और सोचेंगे। अब आइदर और सोचते हैं, चलो तो ये दोनों को मर्ज करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं मर्ज, ठीक है ना। चलो मर्ज करके मुझे बताओ भाई ये रिलेशन बनेगा, हाँ। अब एम और ओ के बीच में सही रिलेशन क्या बनता है, हम चेक करते हैं। ओ से एन, एन से एम जा सकते हो ना, तो ओ से एम क्या रिलेशन बनेगा? टू लाइन। ये सही रिलेशन है भाई, हाँ ना। सही रिलेशन यहां पे है, वैसे भी ये दो तो गलत ही थे ना, सही रिलेशन यहां पे है, नहीं है ना। कितनी लाइन है? दो। यहां पे कितनी लाइन है? सब सात लाइन है, छह लाइन है, छह लाइन है ना, तो ये गलत है। ये भी गलत है, वो भी गलत है। मर्जिंग अगर सही होता तो आइदर और लिखता, मर्जिंग क्या है? गलत, तो आइदर और भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा नन पोलो। भाई हम जानो मर्जिंग सही होता है तो ही आइदर और आंसर आएगा। चलो अब लेते हैं ये वाला। चलो कहां से कहां जाना है? एफ से डी, तो एफ से ए जाएंगे, ए से डी नहीं जा सकते, तो गलत है, ये भी गलत है, हाँ ने? चलो तो हो गया। अब मर्जिंग करो, एफ ग्रेटर और इक्वल टू टी, हाँ भाई, हाँ। अब मैं एफ से डी जाऊंगा भाई, एफ से ए, ए से डी नहीं जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। अब मैं डी से ए जाऊंगा, नहीं जा सकता हूं, मतलब डी से ए नहीं जा सकते हो, ए से डी नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? ए और डी के बीच में सही रिलेशन क्या है? नन, कोई रिलेशन नहीं है ए और डी के बीच में, आंसर ही आएगा। तो ये तो रिलेशन है भाई, हम जानो ना। फरी थी लो, फिर से लेता हूं। आपने चेक किया ये गलत है, आपने चेक किया ये गलत है। अब आपको यहां पे दो चीज लिखनी है। क्या लिखनी है? दो चीज, एक लिखना है मर्ज और एक लिखना है राइट आंसर।
हाँ पक्का ना, राइट आंसर हमने चेक किया, डी से एफ नहीं जा सकते हो, एफ से डी नहीं जा सकते हो, हाँ ने, तो राइट आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन आएगा। हाँ और मर्जिंग का आंसर क्या आएगा, मर्जिंग का आंसर मुझे बताओ। हाँ ये दोनों अगर इक्वल आंसर आते हैं तो ही आपका आइदर और आएगा। हाँ ये दोनों इक्वल है तो आइदर और नहीं आएगा, बस सीधा साधा, समझे ना। आप दो बॉक्स बना दो, दोनों में दोनों लिख दो, एक में मर्जिंग लिख दो, एक में सही आंसर लिख दो। दोनों अगर इक्वल है तो आइदर और, इक्वल नहीं है तो नाइदर नोर। डन, चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं और है तो। ये रहा है ना, चलो भाई आर से जे, तो आर से आप कहां जाएंगे, एम, और एम से कहां जाएंगे, जे, नहीं जा सकते, मतलब ये गलत है। शांति से, हाँ एकदम शांति से, जे से आर, जे से आप कहां जाएंगे बच्चों, एम, नहीं जा सकते, गलत है ना, दोनों गलत है। हाँ बोलो बेन, जो ही लीए पहला आ ले, पची लीए, चलो भाई नहीं जा सकते हो, डन है। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मर्ज, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, राइट आंसर पे लिखूंगा। चलो मर्ज करके आप मुझे बताओ, आर ग्रेटर देन जे, आर लेस देन और इक्वल टू जे, भाई ये राइट आंसर है, सॉरी ये मर्जिंग है, मर्जिंग है ना। अब राइट आंसर देखते हैं कहां से, आर से जे, तो आर से मैं एम जाऊंगा, एम से मैं जे जाऊंगा, नहीं जा सकते हो। अब मैं चेक करूंगा जे से आर, जे से आर नहीं जा सकता हूं, आर से जे नहीं जा सकता हूं, जे से आर नहीं जा सकता हूं, इसका मतलब क्या होगा, नो रिलेशन। हाँ इसका मतलब क्या होता है, नो रिलेशन ही होता है ना, छह लाइन का मतलब क्या होता है, नो रिलेशन, तो नो रिलेशन, नो रिलेशन आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइदर वन और टू। भाई डन है, कयू कहता था बेन तुम्हें, 53 ने, हाँ चलो चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ इसको चेक करना है ना, चलो सी से जे जाना है आपको, ठीक है, तो सी से आप कहां जाएंगे, सी से बी, बी से ई, ई से जे, नहीं जा सकते, तो ये गलत है, चलो ये गलत है। अब लेते हैं जे से सी, लेते हैं ना, चलो जे से कहां जाएंगे, ई, ई से बी, और बी से सी, नहीं जा सकते हो, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो आइदर और हम चेक करना पड़ेगा। चलो हम आइदर और चेक करते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आइदर और चेक करना है तो मर्ज लिखेंगे और राइट आंसर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मर्जिंग करते हैं, इसका मर्जिंग करो तो कितनी, 6 लाइन आएगी भाई, 6 लाइन आएगी। अब यहां पे चेक करते हैं राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, सी से जे नहीं जा सकते हो, जे से सी नहीं जा सकते हो, अगर कहीं से कहीं नहीं जा सकते हो तो इसका मतलब क्या है, नो रिलेशन है, तो राइट आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। भाई डन है, तो ये नो रिलेशन है, ये 6 लाइन है, तो दोनों सेम ही हुआ ना, 6 लाइन का मतलब क्या होता है, नो रिलेशन, तो नो रिलेशन, नो रिलेशन सेम है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों इक्वल हो गया ना, तो फाइनल आंसर आएगा आइदर और। भाई हाँ ये दोनों अलग अलग आता तो नाइदर नोर, ये दोनों सेम आया मतलब आइदर और। भाई डन है, तो इतनी चीजें आपको करनी है, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन अगर है तो कर लेते हैं, चलो इसी को करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, करेंगे। हाँ बोलो, पी से टी, पी से आर, आर से टी, जा सकते हो विथ थ्री लाइन, तो आ साचू छे। चलो एन से क्यू, एन से आर नहीं जा सकते हो, तो गलत। चलो ई से आर, सॉरी आर से ई, आर से ई, इसी में चेक कर लेंगे हम भाई, इसी में चेक कर लेंगे, नहीं जा सकते हो। पी से एन, पी से एन, तो पी से आर, आर से एन, नहीं, आखो गाम जुठू है, इतिहास में बनती विरल घटना है,
છે ને, તો આન્સર શું આવશે? નન નોટિસ. તો ભાઈ કર સકતે હો? તો મેને આપકો આજ ડેમો લેક્ચર મેં ઇનઇક્વાલિટી કે સોરી એક સહી હૈ, સોરી સોરી પહેલા સહી હૈ, તો ઓનલી 1:2 આયેગા. તો આજ હમને ઇનઇક્વાલિટી કે જીતને ભી ક્વેશ્ચન પૂછે જાતે થે સારે કિયે. એક ચીજ મેને ઇન્ટેન્સલી છોડ દી હૈ, કોડેડ ઇનઇક્વાલિટી. કોડ હોતા ક્યા હૈ મેં આપકો દિખા દેતા હું, તાકી આપકો આઈડિયા આ જાય. યે રહા, કુછ નહીં હોતા હૈ હકીકત મેં. યે સ્ટાર હૈ ના, તો સ્ટાર કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ? ઇક્વલ ઓર ગ્રેટર ધેન. તો યહાં પે ઇક્વલ ઓર ગ્રેટર ધેન કરના હૈ, ઠીક હૈ. એન્ડ કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ? સ્મોલર ધેન, હા ને. ડોલર કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ? ઇક્વલ ટુ. એટ ધી રેટ કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ? ગ્રેટર ધેન. ભાઈ હો ગયા? એસ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ કે, ટી લેસ ધેન કે, કે ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ બી. ભાઈ યે કોપી કિયા, એસ બરાબર બી, એસ ગ્રેટર ધેન બી. ભાઈ એક ક્વેશ્ચન બન ગયા આપકા. અબ ઇસકા તો આન્સર દે સકતે હો ભાઈ, દે સકતે હો ના? તો યે હો જાયેગા આપસે. બટ અગેન યે કામ જો કિયા, યહાં પે જો લિખા, વો તો પૂરી દુનિયા એસે કરતી હૈ. અબ કોઈ ભી બંદા દૂસરે ક્લાસ મેં જાતા હૈ, કહીં ભી દેખેંગે તો સબ લોગ એસે કરતે હૈ. ફિર હમારે મેં ઓર ઉસમેં ફર્ક ક્યા હૈ? હમ મેં આપકો જબ યે ચેપ્ટર કરવાઉંગા, તબ ઇસકે ડાયરેક્ટ આન્સર, કુછ ભી કિયે બિના ડાયરેક્ટ આન્સર કૈસે દેના હૈ, વો ભી મેં સિખાઉંગા. બરાબર ના? તો યે સિખાને કે લિયે થોડા ટાઈમ ચાહિયે, થોડા પ્રેક્ટિસ કરના ચાહિયે, જો કી એક લેક્ચર મેં યે કમ્પ્લીટ નહીં હો સકતા હૈ. તો ઇસકે લિયે હમ ઇસકો ઇન્ટેન્સલી છોડ દેતે હૈ. જબ ભી યે રેગ્યુલર બેચ હમ મેં યે ચેપ્ટર કવર કરેંગે, તબ યે ચીજ ભી હમ સિખેંગે. પહેલે મેં આપકો એસે સિખાઉંગા, થોડા આપકા હાથ બેઠ જાયેગા, મજૂરી કરને કે બાદ, સીખને કે બાદ હમ ઇસકા ડાયરેક્ટ આન્સર દેના ભી સીખ લેંગે, ઠીક હૈ. યહાં તો આપકો પતા ચલ ભી ગયા હોગા, યે દોનો સેમ હૈ, હે ના? તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી આઈધર ઓર આન્સર આ સકતા હૈ. મુજે પતા નહીં હૈ, ખાલી આપ એસે હી અનુમાન લગાના હૈ તો લગા સકતે હો. તો આજ હમને ઇનઇક્વાલિટી સીખ લિયા, કલ સે હમ રેગ્યુલર સ્ટાર્ટ કર દેંગે મેથેમેટિક્સ, ઠીક હૈ. બેઝિક ચીજે ચલાએંગે અગલે કુછ દિનો તક, બેઝિક ચીજે ચલેગી, ફિર પ્રેક્ટિસ હોગી. જૈસે હી આપકા સિમ્પ્લિફિકેશન, કેલ્ક્યુલેશન સ્પીડ અચ્છા હોતા હૈ, ફિર ધીરે ધીરે હમ નયે નયે ચેપ્ટર ઇન્ક્લુડ કરતે જાયેંગે. એકદમ બેઝિક સે પૂરા કોર્સ મેં લુંગા, ઓર પીઓ મેન્સ તક કા સારી ચીજે મેં પઢાઉંગા. જૈસે આજ આપને યે ડેમો લેક્ચર મેં દેખા હોગા કે જીરો સે સ્ટાર્ટ કરકે સારી ચીજે હમને નિપટાતી, તો ઉસી તરીકે સે પૂરા કા પૂરા કોર્સ કમ્પ્લીટ હોગા. ટોટલ મેને આપકો કલ ભી બતાયા થા, લગભગ 110 સે 115 લેક્ચર હોંગે. 4.5 સે 5 મહિના ક્લાસ ચલેગા, 9:30 to 11 યે હમારા મોર્નિંગ મેં ટાઈમ હૈ. જો ભી બચ્ચે ઓનલાઈન ક્લાસ જોઈન કરતે ઉસકો 9:30 to 11 4.5 મહિને તક લાઈવ ક્લાસ એટેન્ડ કરને હોંગે. લાઈવ જૈસે હી ખતમ હોતા હૈ, 11 બજે જૈસે હી ક્લાસ ખતમ હોતા હૈ, તો 11:30 બજે તક અપના વિડીયો ભી એપ્લિકેશન પે અપલોડ હો જાયેગા. ઓનલાઈન ઓર ઓફલાઈન મેં કોઈ ફર્ક નહીં હૈ. યહાં પે જો પઢા રહા હું વોહી ચીજ આપકો ઘર પે દેખની હૈ. ફર્ક ઇતના હૈ કે મેરા પૂરા કા પૂરા ધ્યાન યહાં પે જો બચ્ચે બેઠે હૈ ઉસકે ઉપર રહેગા. સમજે ના? આપ ઘર પે ક્યાં કરતે હો, કિતની મહેનત કરતે હો, આપકો ક્યા પ્રોબ્લેમ હો, મુજે પતા નહીં ચલેગા જબ તક કી આપ બતાએંગે નહીં. તો આપકો બતાના પડેગા કે મુજે યહાં પે પ્રોબ્લેમ હૈ, તભી વો ચીજ મેં આપકો કરવા પાઉંગા. યહાં તો ક્યા હોતા હૈ કે સામને આપ લોગ બેઠે હો, તો મેં આપકા મુંહ દેખ કે આપકો બોલ સકતા હું કે આપ સમજે હો કે નહીં સમજે હો, આપકા ઇન્વોલ્વમેન્ટ કિતના હૈ. મેં આપકો ટેસ્ટ ભી કર સકતા હું, મેં આપકો પૂછ કે નક્કી ભી કર સકતા હું. તો યહાં પે પૂરા મેરા કંટ્રોલ રહેગા. ઘર પે અગર આપ ઓનલાઈન કરતે હો તો મેરા કોઈ કંટ્રોલ નહીં હોગા. દૂસરી ચીજ યહાં પે ક્યા હૈ કે આપકા ધ્યાન કહીં નહીં હોગા. જબ મેં પઢાતા હું તો મુજે પતા હૈ કે આપ સબ લોગ મેરે સામને બેઠે હો, તો કોઈ ભી ચીજ આપકો સમજ મેં નહીં આતી હૈ તો આપ તુરંત મુજે પૂછ સકતે હો, મેં આપકો આન્સર દુંગા. ઘર પે કોઈ બંદા બેઠા હૈ, અગર કોઈ ચીજ સમજ મેં નહીં આતી હૈ તો ઉસકો મેસેજ ટાઈપ કરકે મુજે પૂછના હોગા, મેં ઉસકો રિપ્લાય કરુંગા. બટ મેને કોઈ ચીજ સ્પેસિફિકલી બોલ દી હૈ, અબ બાદ મેં દુબારા પૂછેંગે તો મેં ઉસકા આન્સર નહીં દુંગા. રીઝન યે હૈ કે ઘર પે આપ ક્યા કરતે હો મુજે પતા નહીં હૈ. ઘર પે માન લો મેં પઢા રહા હું, આપ ક્લાસ એટેન્ડ કરતે હો, ઇન બિટવીન 5 મિનિટ આપકો ફોન આ ગયા, આપને ફોન પે બાત કિયા, ઉસ 5 મિનિટ કે દોરાન મેને જો ચીજ પઢાઈ હૈ વો તો આપને મિસ કર દી. બાદ મેં આપ મુજે પૂછેંગે કે સર યે ક્યા હૈ, તો મેં ઉસકા આન્સર નહીં દુંગા.
समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो घर पे जो लोग बैठे हैं उसके लिए ये चीज नहीं होगी कि सर ये रिपीट करो, ये करो, वो करो, वो काम नहीं होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी टाइम, एट ए टाइम अगर आप कुछ पूछते हो तो ही मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आप 5 मिनट 10 मिनट बाद बोलेंगे कि इसको फिर से रिपीट करो तो वो मैं नहीं करूंगा, क्लास में करूंगा, क्योंकि यहां पे मुझे पता है कि चालू क्लास में कोई फोन अटेंड नहीं करेगा। घर पे तो कुछ भी होता है, आप सो जाते हो, नहाने चले जाते हो, कुछ भी करते हो, बाद में आके पूछेंगे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो वो मैं नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, साहिबा नो समझाऊ। अब ऑलरेडी मैंने 2 बार तो वो बोल दिया था, उस टाइम तेरा कोई मतलब फोन आया होगा, कुछ भी हुआ होगा, समझे ना आप? तो इतना ही फर्क रहेगा लाइव और ऑनलाइन और ऑफलाइन में, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जो बच्चे ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन करेंगे उसको मटेरियल का प्रिंट आउट में यहां पे दूंगा, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उसको एप्लीकेशन में पीडीएफ मिलेगी, उसका प्रिंट आपको निकाल लेना है, ठीक है? तो 4.5 महीना तक ये क्लास चलेगा। वैलिडिटी ऑनलाइन में आपको 8 महीने तक मिलेगी, मतलब कि 7 तारीख से अपनी बैच रेगुलर स्टार्ट है ये मान के हम चलते हैं 7/6/2022 को, तो यहां से आपको 8 महीने गिनने हैं। आप कोर्स कोई भी डेट को ज्वाइन करते हो, मान लो 1/6 को ज्वाइन करते हो या 15/6 को ज्वाइन करते हो, कोई भी डेट को ज्वाइन करते हो 8 महीना आपका यहीं से माना जाएगा, मतलब आप जितना जल्दी कोर्स लेते हो उतना आपको फायदा रहेगा। अभी आई थिंक 5 या 6 तारीख तक आपका ऑनलाइन का फीस होगा 7,000, उसके बाद ये फीस आई थिंक 8,000 हो जाएगा। ऑफलाइन में कोई ऑफर नहीं है, ऑफलाइन में आपका फी है 14,500, खाली ऑफलाइन लेना है तो, उसमें ऑनलाइन नहीं आएगा। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन लेना है तो उसका फीस आपका यहां पे 4,000 एक्स्ट्रा लगेगा और टोटल होगा 18,500। इस तरीके से आपका फीस होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन का फीस है, ये सिर्फ ऑफलाइन का है, और ये टोटल फीस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चीज आएगी, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में फी भरनी है, यहां भी आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में फी भरनी है। यहां पे आपको 2 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, एक इंस्टॉलमेंट होगा आपका 13,000 का और दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा आपका 5,500 का, जो कि 1 महीने बाद ड्यू होगा। तो इस तरीके से पूरा फी स्ट्रक्चर है। चारों के चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, फाइनेंस, चारों की चारों चीज हम पढ़ाएंगे। मैथ्स रीजनिंग पूरा का पूरा मैं लूंगा, इंग्लिश में एक फैकल्टी रहेंगे जो खुद एक प्रोबेशनर है, बैंक पीओ है, और एक फैकल्टी रहेंगे जीके के। अगर जीके के फैकल्टी नहीं आ सकते हैं तो जीके में आपका मतलब फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी मैं लूंगा। तो कुल मिला के मैक्सिमम 3 ही फैकल्टी होंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से चलेगा। क्लास का टाइम मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आज जो टाइम था रेगुलर भी टाइम वही रहेगा, मॉर्निंग में 9:30 to 11। अभी अगले वीक मतलब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा 7 तारीख से। कल एक डेमो लेक्चर होगा, डेमो नहीं होगा, हम क्लास स्टार्ट ही कर देंगे, बट उसको अगर यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन में है उसको डेमो के तौर पे लेना है तो वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करें।